तो वैसे आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाला हूँ कुछ इस तरह से सीवी फोटो एडिटिंग पिक्सार्ट में, जैसे कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो गाइस अगर आपको भी करने कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग अपने फोन में, तो ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख रहे ना। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। सो चले अब ज़्यादा बात के बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोस्तों एट फर्स्ट आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्लस का आइकन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग एडिट फोटो नाम का एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी। उसके बाद गाइस एट फर्स्ट आपको चले जाना टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद आप लोग एडजस्ट टूल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोग उसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ पर 8 तक, ठीक है। और हाईलाइट्स को भी इधर पर थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ पर 8 तक, सही है। उसके बाद यहाँ पर शेडो को भी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ पर रखता हूँ 6 तक, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोगों को कर देना है डन। उसके बाद आप लोग चले जाना ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद दोस्तों इधर से आप लोग एक PNG को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप लोग इस PNG को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छा जाएगा डाउनलोड कर लेना। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइस कुछ इस तरह से आप लोगों को फोटो के ऊपर कुछ इस तरह से आप लोगों को इसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे आप लोग भी करना। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इरेजर का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग इन्वर्ट कर लेना है। देन दोस्तों आप लोग रिस्टोर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग इसका हार्डनेस को रखना है फुल, और साइज आप लोग अपना हिसाब बराबर रख सकते हो, ऑपेसिटी को आप लोग फुल रखना है, ठीक है। देन दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोगों को फोटो को जूम कर लेना है, और मॉडल को छोड़कर बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरह से आप लोगों को सारा बैकग्राउंड कवर करना है, ठीक है, उस बैकग्राउंड के तरह। देन दोस्तों यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अभी कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड कवर हो चुका है, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग कर देना है डन। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग फिर से डन कर देना है। उसके बाद गाइस फिर से आप लोग ऐड फोटो पर चला जाना है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग हेयर वाला PNG को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लोग देख सकते हो, तो ये है हेयर PNG। देन दोस्तों इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग ऐड कर लेना है, ठीक है। देन दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग हेयर के ऊपर कुछ इस तरह से इस हेयर को आप लोग एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसा आप लोग भी करना। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इरेजर पर क्लिक कर देना, ठीक है। इरेजर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग फोटो को जूम कर लेना, और ये जो पार्ट है इसको आप लोग इस तरह से इरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लोग देख सकते हो इरेज हो चुका है। देन दोस्तों ऐसे आप लोगों को कर देना है डन। उसके बाद दोस्तों फिर से ऐसे आप लोग डन कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोग चले जाना इफेक्ट्स टूल में, ठीक है। इफेक्ट्स टूल में जाने के बाद इधर पर आप लोगों को चले जाना है कलर में। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग कलर इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर फिर से टैप कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका ह्यू को रखना है इधर पर 120 के आसपास, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इरेजर पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग इन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद आप लोग रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका हार्डनेस को इधर पर रखना है प्लस 88 के आसपास, ठीक है। और साइज आप लोग अपना हिसाब बराबर रख सकते हो, ऑपोसिटी को आप लोग फुली रखना है, ठीक है। देन दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग फोटो को जूम कर लेना है, और ये जो शर्ट है इसके ऊपर कुछ इस तरह से ब्रश को चला लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं चला रहा हूँ ऐसे आप लोग भी चला लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे शर्ट के ऊपर, मतलब मॉडल के शर्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से कलर आ चुका है, ठीक है। देन दोस्तों ऐसा आप लोग कर देना है डन। उसके बाद दोस्तों फिर से ऐसा आप लोग डन कर देना है। उसके बाद गाइस आप लोग चले जाना टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद आप लोग एडजस्ट ऊपर फिर से चला जाना है। देन दोस्तों ऐसे आप लोग इसका हाईलाइट्स को इधर पर रखना है 21 तक, ठीक है। और सैचुरेशन के इधर पर आप लोग थोड़ा सा कम कर देना है यहाँ पर -9 तक, ठीक है। और कॉन्टेस्ट को इधर पर आप लोग थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ पर 15 तक, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ पर 10 तक, ठीक है। और टेम्परेचर को आप लोग थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ पर रखता हूँ मैं 4 तक, ठीक है। देन दोस्तों आप लोग इरेजर टूल पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ आप लोग इन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इन्वर्ट करने के बाद आप लोग रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका हार्डनेस को इधर पर रखना है 86 तक, ठीक है। देन दोस्तों आप लोग रजिस्टर पर फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आप लोग फोटो को जूम कर लेना है। देन दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग फेस के ऊपर चला लेना है ब्रश को, ठीक है। तो फेस जो है वो थोड़ा गोरा होता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अभी गोरा कर लेता हूँ। देन दोस्तों ऐसा आप लोग कर देना है डन। उसके बाद दोस्तों फिर से ऐसा आप लोग डन कर देना है।
देन दोस्तों आप लोगों को फिर से एक बार टूल्स में चला जाना है, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद आप लोगों को एडजस्ट ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका ब्राइटनेस को इधर पे रखना है 6 तक, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को चला जाना है कॉन्टेस्ट में, ठीक है। कॉन्टेस्ट में जाने के बाद इस पर आप लोग उस कॉन्टेस्ट को बढ़ा देना है यहाँ पर 14 तक, ठीक है। देन दोस्तों आप लोगों को चला जाना है सैचुएशन में, ठीक है। सैचुएशन में जाने के बाद इसका सैचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ पर 12 तक, ठीक है। देन दोस्तों आप लोगों को चला जाना है शेडो पे, ठीक है। शेडो पे जाने के बाद इसका शेडो को आप लोग थोड़ा सा कम कर देना है, यहाँ पर रखता हूँ मैं -29 के आसपास, ठीक है। देन दोस्तों आप लोगों का इसका हाईलाइट्स को भी थोड़ा बढ़ा देना है यहाँ पर 10 तक, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ से आप लोग टेम्परेचर पर चला जाना है, ठीक है। टेम्परेचर में जाने के बाद इसका टेम्परेचर को आप लोग इधर पे 3 तक रखना है, ठीक है। देन दोस्तों ऐसे आप लोग को कर देना है डन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो जो है वो हो चुका तैयार, जो कि पहले था कुछ ऐसा, और अभी आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, ठीक है। देन दोस्तों आप लोग फोटो को सेव करने के लिए इधर पर आप लोग सेव का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोग कर देना क्लिक। उसके बाद दोस्तों आप लोग फोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो से भी नहीं, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और वीडियो आप लोग कैसा लगेगा कमेंट में बता देना। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, मिलता है अगले वीडियो।